ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं मन्मतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय, आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, साधना केंद्र। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल ना करें, जो भी कॉन्टैक्ट करना है पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तब आप बात कर सकते हैं या जो भी आप अपना विचार रख सकते हैं, चाहे कुंडली दिखाने के लिए हो, एनालिसिस के लिए हो, प्रश्न कुंडली हो या और कुछ। प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले, कॉल ना करें। ओवर ट्रैफिक कॉल संभालना बहुत मुश्किल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आज करेंगे, एक गहनतम तत्व को बताने का कोशिश करूँगा। शनि साढ़े साथी, शनि महादशा, मुख्यतः फोकस राशि होंगे मकर, उसके बाद कुंभ, उसके बाद मीन, ढैया में वृश्चिक, कर्कट, केंकड़ा, बिच्छू, पनौती में तुला राशि। अगर इनका शनि का महादशा चल रहा हो और इस समय ढैया, कंटक, साढ़े साथी, पनौती हो तो इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इससे पूर्व सभी जितने सारे नया सब्सक्राइबर, मित्र, बंधु आए हैं, सबको प्रणाम नमस्कार। इस आपके फैमिली में, इस आपके परिवार में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल परिवार में शामिल होने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मिलने के लिए, एक विश्वास को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जहाँ आज के डेट में 80-90 मिलियन व्यूअर्स, एक एक वीडियो 1.5 मिलियन हो चुका है, तो उसमें से चंद सब्सक्राइबर्स आप मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मित्र, मेरे बंधु, और बार बार बोलता हूँ मेरे फॉलोअर्स को, मेरे को सुनने वालों को मैं गुरु ही मानता हूँ। आपके हर एक कमेंट से मुझे शिक्षा मिलता है, आपकी हर एक कुंडली से मुझे ज्ञान मिलता है। आप सबके अंदर मैं ईश्वर सत्ता को देखता हूँ, प्रभु सत्ता को देखता हूँ, भगवत सत्ता को देखता हूँ, मातृ सत्ता को देखता हूँ। उस सत्ता को प्रणाम करते हुए मेरे सभी गुरुतुल्य, छोटे हो चाहे बड़े, सभी के चरण बंदन नमन करते हुए मैं अगर किसी प्रकार का गलती, कहीं इतना लंबा रास्ता आते हुए ये 23 की के पहुँचना हम जैसे सामान्य आदमी के लिए और इतना सारा प्रोजेक्ट करते हुए आसान तो नहीं है, और इतना लंबा यात्रा 23 के का कोई छोटा बात नहीं है। हाँ नहीं, कमर मटकाने वाला चैनल हो तो मिलियन हो जाता है। ये ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, ज्योतिष, इस सब में वही लोग आते हैं जिनका जीवन में अनुभव है, कष्ट है, पीड़ा है, या फिर वे जो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, प्रभु सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, ब्रह्म सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, मातृ सत्ता के चरण में भक्ति चाहते हैं। तो आप जितने सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं सबको पुनः स्वागत करते हुए, कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार करते हुए, भगवत सत्ता के पास, प्रभु सत्ता के पास, मेरे गोमाता के पास, मेरे मातेश्वरी के पास, मेरे राजराजेश्वरी के पास, माता के श्री चरण में आप सबके कल्याण, आप सबके आनंद, मजा, मस्ती हेतु, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हेतु, आपके जीवन में पाप मोचन, पुण्य प्राप्ति हेतु,
आपके जीवन में दुख कष्ट पीड़ा इत्यादि का निवारण हेतु, आपके जीवन में हर प्रकार के पूर्व जन्मांगीकृत हर प्रकार के पाप कष्ट पीड़ा इत्यादि का निवारण हेतु माता रानी के पास इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ। और फिक्र ना करें, कोई एक पंडित, कोई एक पुरोहित, कोई एक आचार्य हर दिन आपके लिए भगवान सूर्यदेव को पानी देता है, हवन में सभी सब्सक्राइबर के लिए डालता है। और जो लोग स्पेशल इस हवन के लिए अपने नाम गोत्र इत्यादि भेजे हैं और अपने मर्जी से जो जैसा दक्षिणा दिया है, उनके लिए भी हर दिन हवन में समय होता है तो नाम गोत्र लेके करता हूँ, नहीं होता है तो सभी भक्तबंध, सभी यजमान, सभी मित्र बंधु, सभी सब्सक्राइबर के नाम पे हर दिन आहुति होता है। हर दिन रात्रि यज्ञ, दिवा यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि होता है हमारे गुरुकुल में, मेरा पर्सनल भी होता है, जाप भी करते हैं। तो आप सबके सुहासिस हेतु, आशीर्वाद हेतु प्रार्थना होता है। और कई सारे मेरे मित्र जो सब्सक्राइबर हैं, आजकल तो खुलेआम सबसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे जब बात करता था तो सबको बोलते थे कि सब्सक्राइब कर लेने मात्र से हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए, प्रभु का कृपा है, इसमें मेरा कोई अहंकार, मेरा कोई ईगो, मेरा कोई ताकत काम नहीं करता, ईश्वर सत्ता है। क्योंकि मैं मातेश्वरी को ये बोल रखा हूँ कि जो भी कोई सब्सक्राइब करे, व्यू करे, पूर्ण वीडियो देखे, उनको आशीर्वाद करो, सभी को करो, ऐसा नहीं है। ये आपको बहलाने फुसलाने या मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मातेश्वरी के साथ ये मेरा डील है या कॉन्टैक्ट है, जो भी समझ लें आप, क्योंकि ये पुरोहित कर्तव्य है, ये ब्रह्म कर्तव्य है। ब्राह्मण जन्म इसलिए होता है कि दूसरे का दुख दर्द झेल, कष्ट पीड़ा को झेल सके, और नहीं झेल सके तो पंडित के ग्रुप में आता ही नहीं, आचार्य के ग्रुप में आता नहीं, गुरुतुल्य ग्रुप में आता नहीं। परस्य हितोकृति इति, दूसरे का हित करने वाला का कैटेगरी में आता नहीं। आप लोग गुरुजी बुलाते हो, यहाँ कोई गुरुजी है नहीं, मैं किसी को दीक्षा देता नहीं, लेकिन जब गुरुजी शब्द ही बोल दिए तो फिर हमारा कर्तव्य और बढ़ा। मेरा गुरुजी बोलते हैं कि गुरु का कर्तव्य है कि पारु पर्यंत, शक्ति क्षमता पर्यंत अपने शिष्यों का, अपने चेलों का, अपने सब्सक्राइबर्स का, अपने भक्तों का, अपने यजमान का परिपूर्ण परम कल्याण करते रहना, ये कर्तव्य है, दायित्व है। इसलिए मेरे से जितना बन पड़ता है जरूर करता हूँ। बाप ऐसा है, आप लोगों को ये संबोधन मुझे नहीं पता, लेकिन हो तो बाप, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, आप मुझे प्रश्न नहीं करते, मेरे तक नहीं पहुंचता, तो ये सारे बात तो अंदर से निकलते ही नहीं। गुरु में दम नहीं होता है, चेला का प्रश्न, चेला की उपयुक्तता, पात्रता, उसके अंदर का रिक्तता गुरुमुख से शब्दों को निकालता है। और इसलिए बताया गया, गावो गोपाल नंदना, तो पार्श्वस्य सुहृद्भुक्ता दुग्धं गोपाल नंदनम, ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवत गीता। तो बाप, ये जीवन में शनि साढ़े साती हो या महादशा हो, ढैया हो या कंटक हो, बनौती हो या फिर अदृश्य शनि का पीड़ा हो, जिसका ऐसे भी बहुत लोग मैं देखा हूँ जिसका ना कोई महादशा है ना साढ़े साती है, लेकिन जब प्रश्न कुंडली निकालते हैं तो इसके, इनके परिवार के कष्ट पीड़ा दायक देने वाला कौन, अगर शनि निकला प्रश्न कुंडली में, हालांकि प्रश्न कुंडली में ज़्यादा काम नहीं करता, बड़े गुरु लोग, बड़े पंडित लोग मना करते हैं कि ज़्यादा प्रश्न कुंडली नहीं करना, और उसके लिए जो दक्षिणा मिलता है वो
आज के डेट में बहुत कम है, क्योंकि कुंडली खोलना ही पाप है और उसके लिए हम पंडितों को प्रायश्चित करना पड़ता है, जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन इत्यादि करके। तो चलिए, जब इमरजेंसी पड़ता है खोलते हैं। तो ऐसा है कि जीवन में शनि साढ़े साती महादशा क्या कष्ट देता है, पीड़ा देता है, क्या सब कुछ ले लेता है, क्या सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर देता है, क्या ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाता है। इतिहास और पुराणों में तो यही देखा गया, कहीं ये जगन्नाथ भगवान रास्ता में आके भीख मांग रहे हैं, तो कहीं शिव भगवान पानी में छुप रहे हैं, कहीं हरिश्चंद्र का बात से लेके जितने सारे पुराण हैं वहाँ पर तो यही दिखता है और यही दिखाते हैं और यही हमें समझ में आता है, शनि इज द डेंजर गाय। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, होनहार हो, समझदार हो, आज के डेट का वैज्ञानिक युग, कंप्यूटर, लैपटॉप और ट्राइपॉड, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल अध्ययन करता हो, जानते हो। अगर बड़ी डीपली शनि को पढ़ा जाए, समझा जाए, अध्ययन किया जाए, खोज किया जाए, तो यही समझ में आता है शनि एक साबुन है और शनि के महादशा साढ़े साती इत्यादि में व्यक्ति को एक ही काम करता है कि मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, बेस्ट बनाता है, निखार देता है, गंदगी कचड़ा मैला जो भी कलुष कलमस मर्मेट मैटर्स है सबको साफ कर देता है। जो जिंदगी भर का आपका कमाई है, पाप ताप दुख कष्ट पीड़ा अधर्म वित्त हल्का मनी, दूसरे का धन चुरा लिया, लूट लिया, खा लिया, नहीं दिया, रिफंड नहीं किया, उन सब का निर्जरा करा देना, जर्जरा करा देना, जलित कर देना, सफाई कर देना। अब सोचिए एक फॉर्मूला, शनि का इष्ट माँ काली, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्ते, तो उसका बेटा, उसका शिष्य ये शनि कैसे आपको कष्टदा पीड़ा दे सके। आपका पाप मोचन करता है शनि, इसलिए शनि को साबुन कहा गया, या शनि को सफाई सिस्टम कहा गया, या शनि को कहा गया है वो जो धोबी मशीन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर कपड़ा वगैरह डाल के घुमाते हो तो कपड़ा को तो आराम नहीं लगता होगा, इसलिए बोलते हैं शनि का महादशा साढ़े साती में भिन्न भिन्न डिग्री में। मैं इसका डिग्री वाइज वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ लोग बड़ा जो ऑब्जेक्शन करने लगे, लंबा वीडियो बना रहे हो, टाइम नहीं है, छोटा छोटा बनाइए, ऐसा करके थोड़ा सा, चलो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो, मार्केटिंग पॉलिसी जो समझो आप। तो पहले शनि में शनि ठंडा में धोता है, शनि में बुध कचड़ कचड़ के अच्छा से ठोकाई करता है, शनि में केतु आग में धोता है, शनि में शुक्र बहला फुसला के धूप में सेक के, ये शनि में सूर्य धूप में सेक के बैठता है, शनि में चंद्रमा दूध में धुलाता है, ऐसा करके बताया गया। शनि में बुध हवा में धोता है, तो ऐसे ऐसे देखो, आप देखे होंगे सांप, और सांप का एक छिलका जो निकलता है, काती बोलते हैं उसको, सांप का एक स्किन बाहर, तो एक प्रोसेस है, गुजरता है हर महीना कोई बोलता है, और कितने दिन में सांप शुद्ध हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर अगला अपना काम में निकलता है। शनि साढ़े साती महादशा भी ऐसा ही है, साढ़े साती में तीस साल में एक बार धुलाई होता है, महादशा में लाइफ में एक बार धुलाई होता है, बिंसोत्तरी महादशा 120 साल में 19 साल का धुलाई होता है। आप देखना जितने सारे साढ़े साती गुजरते हैं या महादशा गुजरता है, तो आदमी बेकूफ लोग भी चलाक हो जाते हैं, भोंदू मल लोग भी स्मार्ट हो जाते हैं, गधे लोग घोड़ा खक्कड़ बन जाते हैं,
मैच्योरिटी बढ़ जाता है, ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है, समझ आ जाता है। शनि बाबा इस समय 7.5 महादशा में आंख खोल देते हैं। वह चीज जो आज तक नहीं समझते थे, इग्नोर थे, गधे थे, उसके बारे में आपको समझ में आ जाता है, देख लेते हो, दिख जाता है, समझ आ जाता है। सोचिए क्रिकेट में तेंदुलकर जी आउट हो गए, समझ में नहीं आया कैसे आउट हुआ, रेफरी गलत डिसीजन दे दिया, फिर उसको रिप्ले में दिखाते हैं स्लो करके, हाँ समझ में आ गया, बेड पेड़ में लगा आउट हो। ऐसा ही शनि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है, स्लो डाउन प्लैनेट है, जिंदगी के हर कुछ को स्लो कर देते हैं। क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, ये ठीक है, जहाँ दृष्टि देते हैं खराब करते हैं, ये भी ठीक है, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन साइंटिफिक चीज एस्पेक्ट तो यही है कि आपके जीवन में एक निरंतर परिवर्तन, एक उन्नति, एक विकास, एक शक्तिपूर्णता को प्रदान करने वाला शनि होते हैं। और जो भी शनि महादशा 7.5 से एक बार गुजरा वो परफेक्ट होके जीवन में निकलता है। लेकिन वे निकलते हैं जो लोग शनि के अनुसार जीवन को जीते हैं। क्या मतलब हुआ? शनि एक आइसोलेशन का प्लैनेट है, तो आप को या तो आप आइसोलेट बनो या तो शनि बनाएगा। आप बन जाओगे तो बच गए, शनि बनाएगा तो ठोक ठोक के। शनि एक साधना का ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है, साधना करो वरना शनि साधना कराएगा, तपस्या करवाएगा। आप करोगे तो आसानी से बच जाओगे, शनि कराएगा तो ठोक पीट के करवाएगा। क्यों करोगे आप? आइसोलेट क्यों होंगे आप? साइलेंस क्यों हो जाओगे? देखो ना, बहुत बतौनी लोग भी शनि 7.5 महादशा में चुप हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, बोलने का कुछ रहता नहीं है, बोल पाता नहीं है, अकेले रहने में पसंद करता है, किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, किससे बात करना नहीं चाहता है। पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन इत्यादि आध्यात्मिक तीर्थाटन मंदिर में बैठना ये सब उसको अच्छा लगने लगता है। एकांत में बैठना, एकांति सुखमास्यताम परतरे, किसी पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में बैठना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि जिंदगी के जितने दशा अंतरदशा हुए, मंगल का, राहु का, गुरु का, उसके बाद शनि का, तो जब शनि चालू होता है तो हमारे अंदर क्लीनिंग, हीलिंग एंड टाइटनिंग, टोनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिचार्जिंग करता है, आपके अंदर फिर से ऊर्जाओं को भरने लगता है। इसलिए दोस्त छोड़ के भाग जाते हैं, मित्र बंधु छोड़ के भाग जाते हैं, बीवी धोखा दे देती है, लवरा लवरी धोखा दे देते हैं, मित्र बंधु धोखा दे देते हैं, जिनको ला के पाले थे, खिलाए थे, पिलाए थे, वो धोखा दे देते हैं, संतान पुत्र इत्यादि धोखा दे देते हैं, आप अकेले हो जाते हो। शनि बोलता है खुद का काम खुद करो, जियो इंसान जैसे। बहुत नौकर चाकर देख लिए, नौकर चाकर लोग ठक पिट के ले जाते हैं, इन सब से नहीं माने तो आपके पीछे कोर्ट कचरी माली मकदमा के पीछे पकड़ा देते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पीछे दौड़ते रहो। नहीं माना शनि को तो डॉक्टर के पीछे जाओ, नहीं तो एडवोकेट के पीछे जाओ, नहीं तो पुलिस के चक्कर में जाओ, और नहीं माने तो जेल के अंदर जाओ, पड़े रहो वहाँ आइसोलेशन, डायरेक्ट करते रहो साधना वहाँ। ज़्यादा उछल कूद करते थे, पैसा का मूछ पूछ दिखा रहे थे, पैसा का घमंड था, ले लिए पैसा, अभी है क्या बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन ये जो एक कहावत है कि भाई उतरता शनि दे देता है, किसे देता है? उतरता महादशा, उतरता 7.5, शनि जाते जाते बहुत कुछ देते हैं, किसे देता है? क्या सबको दे देता है? नहीं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है सबको, लेकिन किसी को कम मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा किसे मिलता है? हर इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं, बोलते हैं किसका? जो शनि जैसे जीता है और अपने अंदर का एनर्जी को फुलफिल्ड करता है, अपने बैटरियों को रिचार्ज करता है। एक सज्जन बोल रहा था, कोई मकर वाला प्रश्न कर रहा था, गुरु जी हमें ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लग रहा है? एनर्जी है बोलते या एनर्जी नहीं है बोलते?
ठीक है, सन इज ए कोल्ड प्लैनेट, सन इज ए ड्राई आइस, ठंडा बर्फ को भी कहा गया है। क्यों ठंडा लग रहा है, एनर्जी है बोल के या नहीं है बोल के? तो आप एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा का साधना का समय होता है शनि का साढ़े साती और महादशा। और जितने जितने आइसोलेट रहोगे, जितने जितने अकेले रहोगे, जितने जितने साधना करोगे, जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन यज्ञ योग निद्रा ध्यान मेडिटेशन, क्या होगा, उतना उतना शक्ति बढ़ने लगेगा, ऊर्जा बढ़ने लगेगा, ताकत बढ़ने लगेगा, कैपेसिटी बढ़ने लगेगा, व्यक्तित्व नेतृत्व चरित्र छलकने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, एनहांस होने लगेगा, आपका जिंदगी में एक न्यू हॉरिजन खुलेगा। सोचो साढ़े साती महादशा में एक तरफ ब्रेन क्लोज, माइंड क्लोज, बंद, लॉकडाउन, ब्रेकडाउन, शटडाउन, कुछ देखने में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ बंद हो गया है, शरीर स्लो हो गया है, कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और जैसे जैसे उतरता है आँख, देखना आपके आँख में एक नया ज्योति, एक नया नयापन, हर चीज को देखने के पीछे एक आश्चर्यजनित, छोटा बच्चे जैसे कोई फूल को पकड़ते हैं ना तो उसमें खुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पॉन्डर अवर इट। अब जैसे जैसे बड़े होते हो ये सारे आश्चर्यजनित्या एस्टोनिशनेस खत्म होने लगता है, आम चीज हो जाता है, ठीक है, पैसा है, गाड़ी है, लोग हैं, आदमी है, नौकर है, चाकर है, ये है, वो है, ये है, ठीक है, बस। शनि जब आता है ढैया साढ़े साती कंटक पनौती महादशा, इसी आँख को साफ करता है, इस माया का परल, इस माया का परत, इस माया का अभिष्ट को साफ करके आपके देखने के कैपेसिटी बढ़ाता है, सुनने का कैपेसिटी बढ़ाता है, समझने का कैपेसिटी बढ़ाता है, सेंस करने का कैपेसिटी बढ़ाता है। किनका? जो लोग अभी भी संसार चाह रहे हैं, संसार के कीड़े हैं, माया जगत और माया के पीछे हैं, उनको नहीं। लेकिन जो अध्यात्म में चले गए, अध्यात्म निष्ठा विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन मूढ़ा पदम व्ययम तत, उनके लिए कटो समाज से यात्रा करना है, अपने अंदर यात्रा करो, समझना है, खुद को समझो। बहुत संसार देख लिए, बहुत अपनों को देख लिए, सब बयमान सिंह यादव स्वार्थी, एक नंबर के मतलब समझ जाओ क्या करें हम, है ही ऐसे बोलते हैं जो समझ जाए ना, चला तो बाप ठीक है, ये यही संसार का खेल है। न माता न पिता न बंधुश्च सखा न मित्रम, कोई भी अपना नहीं है, सब पराए हैं, पति पत्नी बच्चे सब। फिर धरती में क्यों आए हो बोला, इन सबको रहते हुए ड्रामा करना है, नौटंकीबाज। बोले महाराज जी तो का कह कह रहे हो, समझ रहे हो ना, संसार से कट जाएं, बीवी बच्चा छोड़ दें, सन्यासी बन जाएं, हिमालय में जाके गिरुआ अरुआ पहन के भगवा ड्रेस पहन के बैठे रहें, भीख उख मांग के खाएं, अरे ना भोगो, एकदम संसार का कीड़ा बन के रहो। लेकिन कैसे भोगो? ईशा वास्य मिदगम सर्वम, बलक सूत्र है, त्येन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य सिद्धनम। ईशा वास्य उपनिषद, कभी मौका मिले तो उसके ऊपर आलोकपात करूंगा, बहुत सुंदर उपनिषद है, बहुत सुंदर वेदांत शास्त्र है, वेदांत में घुस जाऊंगा ना तो और लंबा हो जाएगा। एक ऐसा वेदांत है जहां कोई प्रश्न उत्तर ही नहीं है, सीधा उपदेश और आदेश है। बोलते जीवे सतगम, 100 साल तक भोगो 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 भोगो, इतना भोगो, चार बात तो कुछ अलग बोल देते हैं ना,
भृणं कृत्वा घृतं विवेद जावेद जीवेद सुखम जीवेद भस्मीभूतस्य शरीर पुनरागमनम किम। ये तो बोलते हैं कि यार ऋण लेके भी भोग करो, दारू पियो, घी खाओ, क्योंकि ये शरीर भस्मीभूत है, कल खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। कैसे? बोला दृष्टा बन के, साक्षी बन के, ये समझ के कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम करुणारविंदे भवम भवामी सहितम नमामी, सारे सांप ये संसार गले में लगा हुआ सांप, ये जान लो कि अनित्य है, ये जान लो कि दिस्सल पास हो गया, ये जान लो कि कोई भी नहीं रहे। लेकिन केवल जानने से नहीं होगा, भान होना चाहिए, भान करो। ये जब तक अनुभव सापेक्ष ज्ञानम नहीं है तब तक शनि माफ नहीं करता। शनि अपने कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, हर चीज का पॉजिटिव बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं मानोगे तो नेगेटिव बढ़ा देंगे। रोगई दुखई भरजन का सदबापू प्रौढ़ीनम चदीनम, बूढ़ा भी बना देते हैं किसको, जो इस क्षेत्र पे काम नहीं करता है कि मुझे मेरा ऊर्जा को बढ़ाना है, कटना है संसार से, लेकिन संसार में रह के बाबा बन के नहीं, जान के बूझ के कि ये मेरा नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, अनित्य है, अनित्य, और ईश्वर के मार्ग में जाना है। जो कुछ कर रहे हो एज ए दृष्टा साक्षी आत्मा अकर्ता अभोक्ता शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो मिला ही हुआ है और अब तक नहीं समझ में आया है, मिलोगे क्या ब्रह्म ब्रह्म से? मिला है हर पल हर क्षण, अभी यहाँ है ही, लेकिन हमें समझ में नहीं है क्योंकि संसार में इतना व्यस्त है कि उस चेतन सत्ता आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता तत्व सत्ता निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन ब्रह्म अनंत परमानंत अव्यक्त यत्र शब्द न गच्छति, और हर पल हर क्षण हमेशा यहाँ अभी मौजूद है, पाए ही हुए हैं, मिला ही हुआ है, लेकिन हमें भान नहीं है, वेदांत शास्त्र के अनुसार है। तो जिसके लिए इसको पर तत्व को कोई ग्रह अगर तत्वात्मक प्राप्त कराता है तो शनि कराता है। मुख्य मुक्ति केतु का काम, ज्ञान थ्योरी ओरी बता देना गुरु का काम, उसको यूटिलाइज करना बुद्ध का काम, उसको जान के भोग करना उत्तम शुक्र का काम। फिर राहु केतु क्या करते हैं? विच्छेद माया, उससे भटकाव, कहाँ अबे कहाँ जा रहा है ब्रह्म तर्म के पीछे, कि भगवान भगवान ब्राह्मण पूजा पाठ के तीज कहाँ, आओ आओ भोग करेंगे, आओ मजा करो मस्ती करो, दिमाग में लगा के उधर ही लटका देते हैं राहु। माया द बेड मदर ऑफ द बेड चाइल्ड ऑफ गुड मदर, भटका के वहीं लगा देते हैं कि भोगते रहो बेटा, बच्चा का चुचमा पकड़ के चूहते रहो। तो बाप अगर कोई समझ जाए ना कि कैसे अपने को री एनर्जाइज करना है, रिचार्ज करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इससे पहले आप भोग भोग के अपने सारे शक्ति को खत्म कर दिए थे, शनि आया उसका दंड देने लगा, या ऐसे समझो कि आपको सफाई करने लगा, क्योंकि शनि को आपको रिचार्ज फिर से कराना है। और आप ये जानते नहीं, क्योंकि हमारे ज्योतिष बंधु लोग मित्र लोग सारे अपने आदमी हैं, गाली किसी को नहीं दे रहा हूँ, पत्थर उत्थर पहना के पूजा पाठ खर्चा उर्चा कर लो, लेकिन एनर्जाइज कैसे होना है आओ ये कोई नहीं बोलता है। आपको ना समझ है ना ही ज्योतिषों का समझ है, उनके पास भी टाइम नहीं है कुंडली देखने से, और हम लोग ठहरे अब्बलगिर के पागल, मौका मिला तो चले ध्यान में, चले जंगल, चले किसी जाके कथा करने, या फिर शिविर करवाते हैं और शिविर में आप लोग आते नहीं हो कि आओ 7 दिन तो कर लो यार, 1 महीना तो कर लो यार, लगा रिचार्ज, अपने को रीएनर्जाइज्ड, अपना बैटरी को फुल चार्ज करो, बहुत देर तक चलेगा। आप YouTube में बता दीजिए, हम घर में चार्जर लगा देंगे, पीछे चार्ज हो जाएंगे। अबे टुल्लू YouTube में कर दो, ये अभी फोन किया था बेंगलोर से और यूएसए से, बोला
यूट्यूब में बता दो, ऑनलाइन बता दो, कोर्स बता दो, कितना पैसा लेना है ले लो, नहीं होता यार। गुरु का चरण चाहिए उसके लिए। सब ऑनलाइन में हो जाता तो फिर और कुछ बाकी रहता ही नहीं। गुरु का सानिध्य चाहिए, एक ऐसा जो उस मार्ग में चला है, पाया है, जो उस मार्ग को अनुभव किया है, जो सोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वयं करके सिद्धि पाया है। साले पंडित खुद तीन गायत्री माला जपता नहीं है, ब्रह्मा गायत्री, विष्णु गायत्री, रुद्र गायत्री, काली गायत्री जानता नहीं, बोला पंडित अरे थोड़ा सा विष्णु सहस्रनाम गाओ, पता नहीं, अरे थोड़ा सा पुरुष सूक्त बोलो, श्री सूक्त बोलो, पता नहीं। बोले तुम जो बोल रहे हो कोई किताब में है, सूत्र है, कोई आज ऑस्ट्रोलॉजी नहीं, वो तो हम रिसर्च किए। बोला तू तो महात्मा है, तो बड़ा रिसर्चर है, तो बाप अपने ऊर्जाओं को तभी बढ़ा सकते हो जब ऐसे शिविर में जाओ, क्योंकि शनि का काम सफाई करना, और जब आप सफाई में सहायता नहीं करते हो तो इस समय शनि अपने आपके शरीर में भयंकर मैलाओं को निकालने का प्रोसेस में चलता है, और उसको आप साथ दे देते हो, एनिमा ले लेते हो, पेट साफ कर देते हो, कुंजल कर देते हो, पेट साफ कर देते हो, मिट्टी पट्टी, पानी पट्टी, मिट्टी में गड़ जाते हो, गोमूत्र इत्यादि का सेवन करते हो, त्रिफला चूर्ण इत्यादि का सेवन करते हो। ये बेसिक है। योग निद्रा में जाते हो, ध्यान में जाते हो, शवासन में जाते हो, ट्रांसेंडेंटल में जाते हो, आवर्तन ध्यान योग में जाते हो, साइक्लिक मेडिटेशन में जाते हो, ये सब प्रोसेस है सपोर्ट करने के लिए। जब कोई व्यक्ति ये सब करेगा, फास्टिंग करेगा, उपवास करेगा, कच्चा खाएगा, लिक्विड डाइट पे रहेगा, सब्जी इत्यादि का सूप पिएगा, जूस पिएगा, पथ पिएगा, ये उल्लूपाथी का चाय नहीं, नेचुरोपैथी चाय अलग आता है, ग्रीन टी, वो वाला ग्रीन टी नहीं, पागल वाला नहीं, डाल दिया नमक और चीनी और ये सब कचड़ा का नहीं, गुड़ का पानी पिएगा, नेचुरल चीज़ खाएगा, ऑर्गेनिक खाएगा। देखना शनि यहाँ पर सपोर्टिव हो गया, शनि को सपोर्ट मिला, शनि को बेस मिला, फिर कितना उग्र शनि हो, कितना शत्रुग्रही हो, कितना शरीर खराब करे, आपके लिए तो राजयोग बना देता है। शनि के टाइम में, साढ़े साती में, महादशा में जो नहीं कमा पाया, क्या ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, साधना, धर्म, ज्ञान, विद्या, थर्ड आईज ओपनिंग, फिर इस जन्म में कभी नहीं होगा। ये आखिरी मौका था जहां ये सब कमा लेते, और अभी भी मौका है, कमाओ। चला जाएगा ये टाइम, डर डर के तुम्हें डरा डरा के मराएंगे, साढ़े साती महादशा, ढैया, कंटक, पनौती, डर डर के मरो, लगाओ इधर ताबीजी बीच लगाओ, पीपल गज, शनि का पत्थर में तेल डालो, और का सब करना है करो, हनुमान चालीसा और सब अच्छा है, बुरा नहीं है, बच्चों के लिए ठीक है, झुंझुना वालों के लिए पकड़ा दिया झुंझुना, टेक्निकल साइंटिफिक चीज़ कोई बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो आप समझोगे नहीं, और समझ गए तो करोगे नहीं, है पैसा कमाने का चक्कर है, बिजनेस कर रहा है बाबा, पंडित जी, गुरु जी, धंधा है, बुलाएगा, पैसा मांगेगा। तो बाप, मेरा एक आईआईटी प्रोफेशनल गुरु है, वही यूपीएमपी वाला है, हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में, इज इन हायर ग्रेड, अभी मिले, संसार का कीड़े, शनि महादशा धनु राशि के हैं ठीक है, आईआईटी लेवल का आध्यात्मिक व्यक्ति है, प्रचंड व्यक्ति, उम्र में मेरे से कम है लेकिन ज्ञान में मेरे से महान। बस प्लांट से छुट्टी मिला तो जाके जगन्नाथ जी के पास में अब बात करते रहते हैं ठीक है। तो उनको कोई बहुत बड़ा ऑफर मिला था, बोले देख रोते रोते बोले देख जगन्नाथ जी क्या बोले पता है, बोले देख तू इस चक्कर में पड़ेगा तो मेरे पास तो आ नहीं पाएगा, अब निर्णय तेरे पास, इतना बड़ा नौकरी दे दिया और पैसा कमाना है और ट्यूशन पढ़ाना है और प्रवचन ठोकना है या फिर मेरे पास बैठना है, हटो संसार से, दूर हो जाओ, एलोन, आइसोलेट, साइलेंस,
वो लड़का देखने में बड़ा सुंदर है, मस्त है, ब्राह्मण नहीं है, रमेश सिंह नाम का है, बहुत ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तित्व है, मानता हूं गुरु यार, अब मेरे को 100 GB का ऐसा ज्ञान दिए थे कि मेरा जिंदगी चेंज हो गया था। बढ़िया से बोले, सुनो, अच्छा हम दोनों का मिश्रण भी ऐसा होता है, मैं उनका पैर छूता हूँ, वो मेरे पैर छूता, पंडित जी नमस्कार। अरे हमको नमस्कार मत करिए, आप पंडित जी लखो, ठीक है। तो चेहरा में दिव्यता छलकता है, बोले देखो किसी से, ये जो आगे ऋषि मुनि संत तपस्वी लोग होते थे ना, संसार से कट जाते थे, जंगल में रहते थे, क्योंकि एनर्जी को बढ़ाना है, और लॉ ऑफ नेचर माया आपको एनर्जेटिक रहने देगा नहीं, आपको भोग में लगाएगा, लड़की में लगाएगा, ये खाओ वो खाओ ये पियो, और आपकी सारे एनर्जी को नेचर, लॉ ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय कर देता है। रखो ना ब्रह्मचर्य, रखो निकाल के फेंक देगा बाहर, रखो ना सारे वीरियों को, रखो निकाल के फेंक देगा, ऐसे ऐसे भोग लगाएगा कि आप उस भोग और माया में पड़ जाओगे। अपने को छुपाओ, अगर ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, आज आप क्यों पीटे हो, आज आपके पास पैसा नहीं है क्यों नहीं, आज आपके पास बीबी नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलती है, आज आपको बीबा नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है, आज आपका लबरा लबरी धोखा दे दिए क्यों दे दिए, आज आप भिखारी होके घूम रहे हो क्यों घूम रहे हो, नहीं भिखारी होके घूमना तो ये आपका गलती है, पैसा का चिंता मत करो, मेरे पास वो ज्ञान है, चैलेंज है, 5 साल मेहनत करोगे, साल का 1 करोड़ रुपया कमाओगे, आ जाओ मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूँ, एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए पैसा का समस्या नहीं है, आप चाहते हो कि एसी रूम में बैठे लैपटॉप चलाएं, पैसा अपना बेटा बेटी को बेंगलोर मुंबई दिल्ली कलकत्ता मैड्रेस पोलैंड मोलैंड हॉलैंड पोलैंड अमेरिका जर्मन जापान भेज दो, बोलते 18 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, ए बेवकूफ, मैं तो 1 करोड़ सालाना पैकेज देने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ करो मेहनत। हाँ क्राइटेरिया है, आपका बेटा को पढ़ाने में इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरे को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा नहीं, वहाँ जितना किए थे उतना ही, बैठ, बोले काम क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बैठेगा और सोएगा यही काम, 1 करोड़, हाँ ये बेटा पगला गया है, हाँ हम पगलाए हैं, हम तो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हैं, हम करोड़पति हैं यार, ले लेना 1 करोड़ दे देंगे, अगर फेल्योर प्रोजेक्ट 1 करोड़ फ्री, वीडियो में बोल रहे हैं, ये प्रूव है, ये वीडियो मेरा प्रूव है, आ जाओ, और प्रैक्टिकल करा चुके हैं ऐसे कुछ मित्रों से, सोता बैठता 1 करोड़ साल का कमाता है, लेकिन उसके लिए 5 साल पहले मेहनत करना पड़ेगा, फॉर्मूला दे दें ना, नहीं देंगे, ठीक है चलो, हाँ लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 5 साल के बाद तो फिर साल का 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं, तुम्हारा बेटा को पढ़ाते 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 MBA 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 CTDC OTTC क्या का सब पढ़ाता है, फिर कहीं पर जाके नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया मजदूर एजुकेटेड मजदूर चाकर बना दिया, पैकेज 18 लाख 20 लाख, बड़ा बहादुर है रे तुम, बड़ा घमंड करते हो, मेरा बेटा का 25 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे को नौकर रखते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें, हाँ चलिए अपने विषय पे चलते हैं। तो अपने ऊर्जाओं को, अपने ताकत को, अपने पावर को, अपने शक्ति को, अपने सत्ता को जब बढ़ाओगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, लबरी लबरा अपने आप आ जाएंगे, बीबी बीबा अपने आप आ जाएंगे, जो भागे थे सब आ जाएंगे, यही तो होता है, हर पूरे पुराण में जाइए ना, माइथोलॉजी में जाइए, वो सत्यनारायण कथा में देखिए, सब राजा का छोड़ के भाग गए थे, फिर ये साधना करता है, ऋषि मुनि तपस्या संत के पास रहता है, सब आ जाते हैं, बसवर्ज चंडी पाठ सप्तसती चंडी में जाइए, वो वैश्य भाग गया था, राजा भाग गया था, साधना किया तपस्या किया, संत ऋषि के पास गया, सब मिल गए, सब ठीक हो गया, हर माइथोलॉजी में एक ही कहानी है, 7.5 लगा राम को वनवास हुआ, फिर सब आ गए मिल गए सीता उता सब रिटर्न आ गए, हर जगह में यही है, क्या है ये जो सेम स्टोरी हर जगह, नहीं आपको नहीं दिखाई देगा, क्या सेम स्टोरी, सेम स्टोरी हर जगह में, हर फिल्म में एक ही स्टोरी, हीरो हीरोइन मारपीट लड़ाई फिर मिल गए हैप्पी एंडिंग, और क्या है 7.5 महादशा भी ऐसा हैप्पी एंडिंग है,
कब? जब साधना करोगे, तपस्या करोगे, अपने को रिचार्ज करोगे, अपने को आइसोलेट करोगे, तभी शक्ति बढ़ेगा। जब करोगे, तब करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, हवन करोगे, शरीर का क्लीनिंग करोगे, शुद्धिकरण करोगे, पवित्रता को मेंटेन करोगे, शक्ति बढ़ेगा। संसारी कीड़ों से दूर रहोगे, वरना संसारी कीड़ा आपको यूटिलाइज करेगा, आपके पीठ में घोड़ा बना के चढ़ेगा। काम खत्म हुआ, मतलब खत्म हुआ, पीछे एकदम पाछू में एक लात खींच के एकदम डेस में दम नहीं, हम किससे कम नहीं। कितना साइलेंस रह सकते हो, कितना मौन रह सकते हो, कितना एकाग्र रह सकते हो, उतना ऊर्जा बढ़ेगा। कितना चबर चबर करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, चिंताई करोगे, मारपीट करोगे। गुजरात से बेटा बाइक लेके 20,000 का तेल जला के ओडिशा, पंडित जी चमत्कार करो, मंत्र तंत्र करके आशीर्वाद दे दो। अरे रुक रे, 3 दिन का हवन करके जा, टाइम नहीं है। बोला भाग, बिहार से आ गया, बोला जल्दी जल्दी पैसा कैसे पाएंगे गुरु जी। अरे रुक रे, 7 दिन का हवन बाकी है, तुम्हारा पूजा करा दिए, टाइम नहीं है गुरु जी, भाग। बाद में हमको दोष नहीं देना दयापूर्वक, हमें पता था यही होने वाला है। तो बाप, चलो ठीक है, मान लिया आप मेरे पास मत आओ, अपने से जो फॉर्मूला बता रहा हूं, कम में ज्यादा समझ जाओ, कम में ज्यादा समझ जाओ। इस सानी साढ़े साथी महादशा इत्यादि में लोगों से मत मिलो, ज्यादा नहीं मिलना है, ज्यादा अपने अंदर प्रवेश करना है, ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा साइलेंस रहना है, मौन व्रत आचरण करना है। एकांतवास एक बड़ा साधना है, मैं अभी तक कभी बोला नहीं, किसी दिन एकांतवास के बारे में बोलूंगा, सुनना। जितना ज्यादा हो सके माता रानी के मंदिर में जाके एक टक देखते रहो। देखो अभी मैं बोलूंगा छूना नहीं, तो बोलोगे छुआ छूत भेदभाव बता रहा है, नहीं, किसी से मिलोगे, हैंडशेक करोगे, छुओगे, तुम्हारा एनर्जी डिस्ट्रॉय, तुम्हारे अंदर देखना देवत्व आएगा, लोग पैर पकड़ेंगे, पकड़ते हैं यार, अरे गुरुजी, हट गुरुजी, चल दूर रहो, आशीर्वाद के रूप में आधा ले जाएंगे, बिना दक्षिणा दिए आशीर्वाद, हाँ ले जाओ, कमाओ तुम और देते जाओ। तो इनसे दूर रहो, कोशिश करो बातचीत कम करने के लिए, नहीं बात करना है। बातचीत में भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते, आप विश्वास नहीं करते ना, जो लोग मेरे बड़े गुरुजी से मिले हो, दोनों गुरु, जो एक एस्ट्रोलॉजर गुरु है, तांत्रिक गुरु है, यहाँ से अमेरिका में जो देखा है देखा, यहीं से अमेरिका में फूंक दिया और वो ठीक हो गया, यहीं से 2 मंत्र किया, बोला गुरु जी, बोला काम बड़ा, मत बोलिए, एकदम रात को नींद नहीं हो रहा है गुरु जी, एकदम छलछला रहा है अंदर से, एकदम बम मार रहा है, एकदम कुछ तो हो जाएगा, अबे कुछ नहीं होगा। शुक्र शांति मंत्र शुरू कर दिया, 2 फूंक मारे, शुक्र ठंडा सो। अगर यहां से मंत्र मार के फोन में वहां ठीक हो जाते हैं, तो आपसे बिना मतलब का बात करके, बिना मतलब का क्वेश्चन करके, सांसारिक प्रश्न से आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा। सबको नहीं कह रहा हूं, जो लोग अभी संसार में खेल रहे हैं, मजा मार रहे हैं, बृहस्पति महादशा, मंगल महादशा, राहु महादशा, बुध महादशा, शुक्र महादशा, ये ठीक ठाक हैं, चलो इनका हटाओ। मैं स्पेशली बात करता हूं शनि महादशा, शनि साढ़े साथी, ढैया कंटक पनौती शनि का, आपका ये साधना का समय है। आइसोलेट रहो, जंगल निवासी बनो, एकांत निवासी बनो, बात कम करो, किसी के सामने मत जाओ कि कोई पैर छुए, हाथ लगाए, आपको छुए और आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो। आम आदमी का बात नहीं कर रहा हूं, राम आदमी का बात बोल रहा हूं, स्पेशल आदमी का बात कर रहा हूं, समझना है समझ जाओ, अन्यथा लोगे तो गलत निकलेगा मीनिंग यहां से, उस समय मेरे को कमेंट नहीं लिखना। हालांकि विषय बहुत लंबा है और लंबा हो जाएगा, इतने में ही इसको शॉर्ट करता हूं, लेकिन याद रखना शनि साढ़े साथी महादशा कंटक पनौती में ऊर्जा बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ने से सब कुछ मिल जाता है, ऊर्जा घटने लगेगा जो भी है सब भाग जाता है। देखना मैक्सिमम जितने सारे मैं जीवन में देखा हूँ ओवर एज ऑन मैरिड प्रॉब्लम, मैं सभी लड़की माताओं को नहीं दोष दे रहा हूँ, लड़कों का भी बोल रहा हूँ, ऐसे लड़के जिनका शादी नहीं हो पा रहा,
विवाह से पहले गलत काम का परिणाम, ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो गया, उनका अभिष्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे सूत्र हर जगह में लगता है और शनि तभी देते हैं जब आपका परीक्षा लेते हैं, शनि तभी देते हैं जब आपके अंदर ऊर्जा ताकत बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि उतरता शनि 7:30 ही सब कुछ दे देता है। कब, मैं अभी भी नहीं समझा पाया आपको, मैं इसके लिए निस्सहाय अवश्य महसूस कर रहा हूं। किसी और दिन मैं इसी क्षेत्र को प्रयास करूंगा, लेकिन आशा करता हूं जो विज्ञ व्यक्ति होंगे समझ गए होंगे। कुछ कहना चाहता हूं जो नहीं कह पा रहा हूं, कुछ समझाना चाहता हूं जो नहीं समझा पा रहा हूं, मेरे भाव को समझने का कोशिश करना तो शायद कुछ आंख खुल जाए। शब्दों के पीछे पड़ोगे ना तो ठगाओगे, यहां शब्द बड़े कमजोर हैं। यहां मैं जो बोलना चाहता हूं मैं यहां इस 46 मिनट में आके समझ रहा हूं कि नहीं बोल पाऊंगा। कुछ समझाना चाहता हूं मैं जानता हूं कि नहीं समझा पाऊंगा। मैं विवश हूं, मैं अवश हूं, मैं लाचार हूं, क्योंकि जो चीज को टारगेट करके जिस भाव से यहां बैठा था आप सबके समक्ष इस विचार को प्रकट करने के लिए, 46 मिनट के बाद लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा। और जिसको समझना है यहीं से समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए तो मर्जी आपका। मेरा बात उनके लिए तो नहीं है ना जो नहीं समझ पाते हैं। चलो कोई बात नहीं बाप, बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं नहीं समझा पाने के कारण, लेकिन कुछ चंद शब्दों के साथ खेल खेला हूं मैं, जो कहीं ना कहीं मेरे को एक आत्मविश्वास दे रहे हैं कि कुछ इंगित कर रहा हूं बाप, अपने ऊर्जाओं को लॉस होने मत दो, नाश होने मत दो, नष्ट मत करो। एक एक बूंद शक्ति ऊर्जा ताकत काम का है, और जिस दिन बढ़ जाएगा हर वो चीज आपके कदम में आके होगा उस समय बोलना उतरता 7:30 महादशा दे देता है। इसलिए अपने इच्छाओं को बहुत बड़ा करो, हाँ, लेकिन ये जान के कि अनित्य है, दिस सेल पास अवे, ये भी एक दिन चला जाएगा। मानो मत, भान करो, देखो कि यहां पर कोई नहीं है, यहां अगर कोई है तो मैं ही हूं, मेरे सिवा तो भगवान भी नहीं है। यार ये भगवान को कौन पूछेगा अगर मैं ही नहीं हूं तो, मैं नहीं हूं फिर भगवान का क्या काम बताओ, मैं हूं इसलिए भगवान है। अच्छा इसको भी वैदांतिक प्रमाण बड़ा लंबा चाहिए, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाऊंगा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी तो ठीक है, आध्यात्मिक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, जिसके ऊपर ऊपर जैसे जैसे आपके अंदर जाएगा बढ़ेगा उतना उतना, जैसे और जब तक सफाई नहीं होता, क्लीनिंग नहीं होता, पवित्रता नहीं होता, ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपके अंदर नहीं बढ़ता है। पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने के पीछे एक ही रहस्य है कि आप पहले शुद्ध, मुक्त, बुद्ध, पवित्र, परम पवित्र, पावन बनना पड़ेगा, और पावन बनना है आइसोलेट होना पड़ेगा, एकांते सुखमास्यतम करना पड़ेगा, साधना जब तक पूजा पाठ करना पड़ेगा, संसार के गंदगी से, कचड़ा से, गंदी नाली के कीड़ों से बाहर हटना पड़ेगा, और इस संसार के कीड़ों के साथ रहोगे तो ये लोग आपको फिर से अपवित्र बना देंगे, फिर से खींच लगेंगे। लेकिन मैं इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि घर द्वार, जमीन बाड़ी, बेटा बेटी, बीवी बच्चा छोड़ दो, नहीं, इनके साथ रहो। कैसे, बोला पद्म पत्र मीवाम बसा, श्रीमद भागवत गीता, जैसे पानी में लोटस फ्लावर का लिप्स रहता है, पत्ता रहता है, अस्पृश्य रहता है, और पत्ता में एक बूंदा पानी गिरा सड़ जाता है। आप संसार में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संसार आपके अंदर रह जाए फिर शनि देगा तो नहीं, ले लेगा, राजयोग नहीं बनाएगा, दुर्योग बना देगा। बाप,
रिचार्ज योर सेल्फ। और हमारे पास रिचार्ज शिविर के लिए अप्लाई करिए, ग्रुप होने से आपको खबर देंगे। कॉल नहीं करना, SMS, WhatsApp, Telegram, मेल, नो कॉल प्लीज। आप ये जो WhatsApp में Telegram में ही आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, जो भी उनका क्राइटेरिया है मेरे स्टाफ का आप मेंटेन करेंगे। थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन होगा जरूर, बहुत ट्रैफिक होता है, तुरंत आंसर देना मुश्किल होता है, तो हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।